बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं खुद का अपना यूट्यूब चैनल शुरू करूं, बिकॉज आई नो दैट मेरे अंदर काफ़ी ऐसा पोटेंशियल है जो मैं लोगों को बता सकता हूं और लोगों को बेसिकली मैं उनको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हाँ, दिस इज़ द राइट टाइम दैट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, दिस इज़ द राइट टाइम दैट यू हैव टू डू स्टार्ट समथिंग। बट आई डोंट नो कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे कि ये ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है। भाई देखो, जो लोग भी इस वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बहुत सिंपल सा आंसर देना चाहता हूँ कि हर आदमी अपना कुछ शुरू करना चाहता है जिसे वो खुद की पर्सनल चीज़ बता सके कि हाँ, ये मेरे खुद का पर्सनल है। ऐसा ना हो आप आज जॉब कर रहे हैं, कल फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, देन अगेन यू आर सर्चिंग फॉर द न्यू जॉब एंड अगेन यू हैव टू रीस्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो बेसिकली मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मकसद है, जो भी स्टार्ट करो एक अच्छे लेवल पे करो ताकि आप अपने आप को स्टैंड कर सको कि इन फ्यूचर अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है या ऐसी कुछ आती है तो उस केस में आप अपने आप को स्टैंड दे सकें और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें। बिकॉज कोई नहीं जानता कि आज जो अच्छा चल रहा है वो कल अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इसलिए आज अभी इसी वक्त अगर आप शुरू कर सकते हैं तो अपने लिए शुरू कीजिए, कुछ भी शुरू कीजिए, कुछ भी। सी, चाहिए क्या आपको? एक बेसिक सा आपको फ़ोन, एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो है डेडिकेशन। इफ़ यू आर रियली विलिंग टू डू समथिंग योर ओन, यू शुड बी डेडिकेटेड कंसिस्टेंट, और फिर उसके बाद आप शुरू कर दीजिए और देखिए आपको रिजल्ट आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे 110% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली टॉपिक मैंने चूज किया है वो है स्किल्स, टॉप फाइव स्किल्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अब वो टॉप फाइव स्किल्स क्या है? बेसिकली अगर किसी को भी अपना बिजनेस शुरू करना है, कुछ भी शुरू करना है, तो उसके लिए उनको एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। ही शुड बी वेरी गुड कम्युनिकेटर। अब वेरी गुड कम्युनिकेटर इट मीन्स ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो बिल्कुल ही एक्सपर्ट होना चाहिए। एक्सपर्ट लेवल भी हर किसी का धीरे धीरे ही आता है। आप चाहेंगे कि आज ही के दिन में मैं एक्सपर्ट हो जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। आपको उसके लिए एक प्रोसेस है, सेटअप है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सेटअप प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, देन उसके बाद आप अल्टीमेटली आफ्टर फ्यू कपल ऑफ मंथ्स यू विल बी एक्सपर्ट। अब गुड कम्युनिकेटर आप आ गए, देन उसके बाद यू शुड बी अ सेल्फ मोटिवेटर। देखिए, कम्युनिकेशन अच्छी बात है, कम्युनिकेशन आगे, बट जब भी आप शुरू करेंगे ना तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी वीडियोस पे आपके लिए ऐसे ऐसे कमेंट्स लिखेंगे जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा, इनफैक्ट वो आपको फ़ोन भी करेंगे, आपको मैसेज भी करेंगे, क्या शुरू किया है ये, इसे क्या लेना देना, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, बट बिलीव मी ये होगा, बहुत बड़ा चेंजेस आएंगे। और आप इस चीज़ को भूल जाइए कि चेंजेस नहीं हैं, चेंजेस बहुत बड़े आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। बस आपको अपना डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन रखना है। अगर आप मेंटेन रखते हैं तो यू विल विन दिस। अगेन, गुड कम्युनिकेशन आपके पास आ गया, सेल्फ मोटिवेटर आप हो गए। अब आपको क्या चाहिए? बी पॉजिटिव, क्योंकि हर काम को करने के लिए ना सबसे पहले आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और उसके अंदर किसी भी बिजनेस को देखने का ना एक पॉजिटिव नज़रिया होना चाहिए। अगर आपके पास एक पॉजिटिव नज़रिया है तो आप किसी भी बिजनेस में विन विन सिचुएशन प्रोड्यूस करेंगे, और एज वेल एज
बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ उसे विन सिचुएशन में तब्दील करेंगे। आपके हाथ में अब आप किसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। सी, हर काम को करने के कई तरीके होते हैं। हर आदमी के अंदर एक स्पेशल कैटेगरी, एक स्पेशल एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी पे उसको वर्क कर रहा है। सी, हर किसी के अंदर स्पेशल एबिलिटी, इट मीन्स लाइक मेरे अंदर बोलने की कैपेबिलिटी है, मैं बोल के कर सकता हूँ। काफ़ी लोगों के अंदर लिखने की कैपेबिलिटी है, वो लिख के कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के अंदर लिखने और बोलने दोनों की कैपेबिलिटी है, वो दोनों चीज़ कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है अपने आप से कि हमारे अंदर तो कोई ऐसा स्किल है नहीं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर किसी के अंदर ये स्किल्स होता है, बट वो उस स्किल को डेवलप करना होता है या उस स्किल को आइडेंटिफाई करना होता है। अभी आपसे मैं पूछ लूँ कि आपका क्या बेस्ट स्ट्रेंथ है, आप नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने कभी इस टॉपिक पे कभी वर्क किया ही नहीं। आपके बेस्ट की स्किल्स क्या हैं नहीं पता आपको, बट इवन दो आप वर्क कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, अब इसके लिए आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं? इसका सिंपल से एक उदाहरण ये है कि आप अपनी स्किल सेट को पेपर पे लिखिए। पेपर पे लिखने के बाद उसे चेक कीजिए कि हाँ क्या क्या चीज़ आप में है और क्या चीज़ एक्सपर्टीज लेवल पे है। एक्सपर्टीज लेवल पे समझ रहे हैं कि एक्सपर्टीज इट मीन्स यू आर द बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। और एक्सपर्ट के आगे तो किसी जनरल की कोई कैटेगरी नहीं है। सो इट्स सी, मैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं कोशिश यही करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट नॉलेजेबल वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। बेसिकली मेरा जो पूरा फील्ड है वो फैशन मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड है। रिसेंटली मैंने तीन काम शुरू किए हैं। फर्स्ट ब्लॉगिंग, मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ, प्रोडक्ट रिव्यूज़ लिखता हूँ, एंड उसके साथ साथ मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। अब एफिलिएट मार्केटिंग भी मैंने जस्ट ही अभी शुरू किया है, ऐसा नहीं है कि मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, आई एम जस्ट स्टिल लर्निंग। और मुझे मोर कंपेटेबल लगता है, इजी है कि हाँ आपको अपने लिए एक स्टैंड लेना है, आपको किसी और के लिए नहीं, आपको अपने लिए स्टैंड लेना, उस स्टैंड के हिसाब से आपको काम करना है। आपका टाइम है, आप जब काम करना चाहते हैं तब कीजिए, और इसमें कोई फाउंडेशंस नहीं है। अब आपके हाथ में, आप इसे कैसे शुरू करना चाहते हैं आप डिसाइड कीजिए खुद, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी ऑनर ऑफ योर यूट्यूब चैनल, योर बिजनेस, योर एफिलिएट मार्केटिंग, एंड स्पेशली फॉर द ब्लॉग, बिकॉज द ब्लॉग इज गोइंग टू फॉर द नेक्स्ट होल ईयर। वहाँ आप जो भी लिखेंगे दैट इज गोइंग टू बी फॉर होल लाइफ। मैंने तो ऐसे ऐसे ब्लॉग के आर्टिकल्स लिखे हैं जो लिखे गए थे 2014 में, आज की डेट में भी वो लोगों को पैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट मीन्स आप समझ सकते हैं इसकी कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है। आज जो लिखोगे आप, वो आने वाली एक साल, दो साल, तीन साल, पाँच साल तक आपको वो पर्टिकुलर एक आर्टिकल आपको पैसा देगा। और अगर इस बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड एज यूजल अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ, बेस्ट इन्फॉर्मेशन। आई ट्राई टू पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन दिस चैनल। Now, thank you very much. I would love to see you. If you have any comment, I love to see that comment in the below section. Thank you. Thank you very much. Bye. Take care.